अगर इस सोसाइटी में रहना है ना तो नियम और शिस्त का पालन करना ही होगा। अरे यही बात मेरे टबू को हजार बार समझाई थी लेकिन वो समझता ही नहीं है, और समझेगा भी कहां से, अनपढ़ जो ठहरा। अरे तुम क्या, तुम्हारे बाबूजी भी अनपढ़ है। मुझे जेठालाल, तुम्हारे बाबूजी क्या, तुम्हारा पूरा खानदान अनपढ़ है। खोटा बात बन, बनना है तो बात। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम्स सर पर है। अपू सर पर है मतलब एग्जाम्स अभी नजदीक है, सबको कमर कस के पढ़ाई करनी है। ये क्या था, आपने तो कहा कि कमर कस के पढ़ाई करनी है। पंडित नेहरू ने क्या कहा था, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन बीड़े अंकल, गांधी जी ने तो कहा था कि दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए। ए टप्पू, क्या है क्या ये, अरे तू कब सुधरेगा। बाबा इसमें टप्पू की कोई गलती नहीं है। तू गप्पा, नहीं नहीं आज तो ये फैसला हो ही जाए, या तो इस सोसाइटी में तू और क्रिकेट रहेंगे या तो मैं और शांति। शांति, कौन शांति। इतनी देर कैसे हुई, वो भीड़ अंकल स्कूटर खराब हो गया था। मतलब आपकी स्कूटर खराब हो गई थी ना, तो उसको देखने में देर हो गई। अरे अक्षरे का कोमड़ी से पाय। ये क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास सर। इससे अक्षर बड़े बड़े दिखते हैं। विटामिन सी सबसे ज्यादा क्या खाने से मिलता है। ओहो बोलो बोलो। विटामिन सी सबसे ज्यादा विटामिन सी की टैबलेट खाने से मिलता है। ये गोया, बहुत हंसी आ रही है तुझे। हा? चल तू मुझे बता के ताजमहल किसने बनाया। मजदूरों ने। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। टप्पू, आचार देश का दुश्मन है। ओ जेठालाल, के बोर्ड पर तुम्हारे टप्पू ने क्या लिखा है पढ़ो उसे। आचार देश का दुश्मन है। कौन है ये आचार। क्यों भाई जूनियर सोड़ी। यस सर। ओहो इनोसेंस तो देखो चेहरे पे, कूट कूट के भरा है। वाह, जरा इकड़े आ, जरा सीखो इससे कुछ। तो सर कल से किसके क्लासेस में जाऊं। हाँ तूने टिकट्स ले लिए। अच्छा जब बस मैं पहुंची। ओके बाय बाय बेटा, तू अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। बोलो बेटे की एग्जाम आ गई है और माँ को मूवी देखनी है। यश जी आपने कल का दिया हुआ होमवर्क किया नहीं।